अमृत योजना में करोड़ों रुपये आया, दतिया में सब चला गया, सीवर लाइन के लिए करोड़ों रुपये आया, सब भ्रष्टाचार में चढ़ गया। यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब सट्टा और जुआ खिलवा रहे हैं खुलेआम, उनको पुलिस टच नहीं करती है। मेडिकल कॉलेज केवल बिल्डिंग बनी है, जो पैसा आया वो भी भ्रष्टाचार चढ़ गया है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। मध्य प्रदेश के चुनावी संग्राम बिल्कुल इस तरीके से बिगुल फूंक चुका है कि जो नेता जो उभर के आ रहे हैं सामने, सब लोग जनता के बीच जाने लगे हैं और अपनी बात रख रहे हैं। और अभी आपको बताएंगे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और अब कांग्रेस भी इस दौड़ में है कि इस बार वो अपनी सत्ता कायम कर लें। हम लोग जगह जगह घूम रहे हैं, अब इससे पहले शिवपुरी थे, शिवपुरी के बाद दौरा लगा है दतिया का। और दतिया में जब हम लोगों ने छानबीन की तो पता चला कि अशोक जी भी कांग्रेस से टिकट के दावेदार हैं और दौड़ में आगे चल रहे हैं। तो हमने कहा सोचा कि चर्चा की जाए और जानकारी लेके बता दें कि नरोत्तम मिश्रा जी यहाँ से विधायक और मंत्री भी हैं। अब आरोप भी कई लगते हैं, देखते रहते होंगे जो अगर बॉलीवुड की फिल्मों पे जो फोकस करते हैं, तो हालांकि वो पहचाने भी जाते हैं कि सिर्फ फिल्मों का बायकॉट करवाते हैं। बीते कई इंटरव्यू उनके आए हैं, उन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे अशोक जी से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। हम दतिया से शुरू करते हैं, दद्दा के नाम से वो पहचाने जाते हैं, दादा के नाम से वो कहते हैं दतिया में कोई समस्या नहीं है, हमने जितनी सुविधाएं थी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी। आप यहाँ रहते हैं, जनता के बीच जाते हैं, कितना सत्य है? बिल्कुल झूठ है। अगर वो नल जल योजना की बात करें तो आप दतिया देखिए, पूरा उखड़ा पड़ा है। जब नल जल योजना आई थी तो एक बानको कंपनी को टेंडर इसका मिला था, उसमें उसका जो विधिवत उसका जो वो हुआ है रजिस्टर्ड, उसमें उसकी शर्त थी कि हम 3 मंजिल तक पानी पहुंचाएंगे। जबकि 3 मंजिल छोड़ो, 4-4 दिन में 1 मंजिल पे भी पानी नहीं आ रहा है। अमृत योजना में करोड़ों रुपये आया, दतिया में सब चला गया, सीवर लाइन के लिए करोड़ों रुपये आया, सब भ्रष्टाचार में चढ़ गया। आप कहीं भी जाइए, कहीं भी सीवर लाइन अगर आपको सक्सेस दिख जाए, यहाँ भी सामने नल लाइन सीवर लाइन खुदी पड़ी है, लेकिन सीवर में कोई अपना कनेक्शन नहीं डालने के लिए इसलिए तैयार नहीं कि अभी एक दिन पानी बरस गया था उसी दिन चौक हो गई थी सबकी। ये स्थिति दतिया की है। मेडिकल कॉलेज की भी बहुत गाने गाए जाते हैं, क्या जिस हिसाब से बताया जाता है हकीकत तो वैसे ही है? बिल्कुल गलत है। मेडिकल कॉलेज केवल बिल्डिंग बनी है, जो पैसा आया वो भी भ्रष्टाचार चढ़ गया है। यहाँ पे अगर आपको थोड़ी उंगली में दर्द हो जाए और आप हॉस्पिटल पहुँच जाओ तो वो रेफर करेंगे ग्वालियर या झांसी के लिए। यहाँ कोई इलाज नहीं है, ना कोई यहाँ डॉक्टर है मेडिकल कॉलेज में, जो हैं भी वो सब प्राइवेट मंत्री से मिले हुए हैं, वो प्राइवेट अपने अपने नर्सिंग होम और प्राइवेट इलाज कर रहे हैं। यहाँ पर जो बड़े बड़े लोग हैं वो सब सट्टा और जुआ खिलवा रहे हैं खुलेआम, उनको पुलिस टच नहीं करती है, क्योंकि संरक्षण है वहाँ पर सीधा भाजपा के नेताओं का। और अभी आम लोग कोई अगर 4 लोग टाइम पास के लिए भी ताश खेल रहे होंगे तो उनको पुलिस पकड़ ले जाएगी, उनको बंद कर देगी, उन पर कार्रवाई हो जाएगी। लेकिन जो जिनके यहाँ जुआ खेल रहा होगा उनके यहाँ नहीं। आज बसई में देखिए आप, बसई में टेंट लगा के जुआ खेल रहा है, बसई क्षेत्र में टेंट लगा के, लेकिन वहाँ पे होते हैं। हाँ, किसी भी थानेदार, उस वहाँ के थानेदार पे किसी की हिम्मत नहीं है, वो लगातार झूठे हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे केस रजिस्टर कर रहा है, लेकिन SP की हिम्मत नहीं है कि उस पर कोई कार्रवाई कर रहे। कई बार क्या होता है, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं जो ढाबों के होते हैं, होटलों के होते हैं, जो दतिया से किसी पास से जो हाईवे गुजरे हैं, यहाँ अवैध तरीके से दारू बेची जाती है, इनमें भी कई बार कार्रवाई होती है फॉर्मेलिटी के तौर पे, तो किस प्रकार देखते हैं आप? बिल्कुल सही बात है, फॉर्मेलिटी की कार्रवाई होती है और झूठे केस यहाँ ज़्यादा लगाए जाते दारू के। आप यहाँ रिकॉर्ड देखिए तो कांग्रेसियों पे कम से कम 50 केस रजिस्टर्ड है झूठे, 34 लगेगी कांग्रेसियों पर, जहाँ जो बेच रहा है उस पर 34 नहीं लगेगी, ना उनको रोका जाएगा, उनको संरक्षण पुलिस द्वारा संरक्षण दिया जाएगा कि आप बेचो। कच्ची दारू की जे आलम है कि आप अभी जी जहाँ चिरगांव भांडर रोड पे जाइए तो जगह जगह आपको कच्ची दारू बेचने वाले, यानी कि देहात थाने से लगा हुआ एरिया है, वहाँ सामने बैठे हैं बिल्कुल दारू बेचने वाले, उनको कभी पुलिस नहीं पकड़ती। जे बसई की स्थिति है, जे संरक्षण तो किसी बड़े नेता का नेता है, भाजपा एक ही तो यहाँ नेता है और कोई नेता थोड़ी है, केवल एक ही नरोत्तम मिश्रा। तो आप उनके विरोध में जा रहे हैं, जब आपको पता है सारी चीज़ें, फिर क्या डर नहीं लगता? काय का डर,
जेल भेजोगे और क्या, 8 केस रजिस्टर्ड अभी हम पे हो गए हैं, और भेज और क्या। जब से हम मैं जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बना तभी से हम कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन करते हैं। जान सकते हैं किन मुद्दों पे उन्होंने कराए हैं, क्या आरोप लगाए हैं? आप ये देखिए, हम अगर धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में तो ठीक है, तुम कार्यक्रम हमारे ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, हम धार्मिक कार्यक्रम भी करते हैं। हमने अभी बड़ोनी में माई की चुनरी यात्रा निकाले तो जानबूझ के, जो हमको परमिशन हमने ली थी 15 दिन पहले, हमने रूट दिया था कि जी हमारी चुनरी यात्रा जाएगी, जानबूझ के सुबह 9 बजे उसी रूट पे दो जगह गिट्टी और मुरम डल गई, गिट्टी और रेत डल गई और सीसी शुरू हो गई सुबह 10 बजे से, क्योंकि हम अपनी चुनरी यात्रा जहाँ से डीजे और हम लोग नहीं निकल पाए और वो रूट हमको बाजार से नहीं निकलने दिया जी, हैं की पोजीशन नहीं है। दतिया में जब हमने माई की चुनरी कलश यात्रा निकाली तो उसी दिन प्रशासन ने आनंद महोत्सव के नाम से टोनाल से ओकला चौक का पूरा रोड जाम कर दिया, और किस बहाने से, हमारे पास एसडीएम का फ़ोन आया तो मैंने बोला कि वो हमारा शासन का कार्यक्रम आ गया, आप इस टाइम पे यहाँ से कलश यात्रा नहीं निकाल सकते। हमने कि आप क्यों नहीं निकाल सकते, बोले हमारा शासन का अटेंडम कार्यक्रम आया इसलिए, जबकि टोनाल पे कभी कोई कार्यक्रम की मंच कभी नहीं बनती है, चूँकि छोटा एरिया है, मंच बनती है तो किला चौक पे बनती है, लेकिन उस दिन उन्होंने जानबूझ के किला टोनाल पे हमारी केवल कलश यात्रा रोकने के उद्देश्य से मंच बना दी, बैरिकेड लगा दिए, यहाँ लगा दिए, किला चौक पे लगा दिए, तिगेलिया पे लगा दिए, चौराहे पे लगा दिए, लेकिन जब हमारे साथ जनसैलाब था, 10,000 से ज़्यादा महिलाएँ थी, कलश लेके जब निकली माई की यात्रा, विजय काली माई की कलश यात्रा थी, उसको क्या कौन रोक सकता है, कहाँ इतनी प्रशासन में दम है, सबको रोको, रोक के बताएं वो हमारे कोई भी कार्यक्रम, भाई हम बसई कर रहे हैं, बसई की परमिशन नहीं देंगे हमें मालूम है, लेकिन हमारे कार्यक्रम को रोक के देखें तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, इससे तुम ज्यादा क्या करोगे, हमको गिरफ्तार करोगे, गिरफ्तार करो आप, हमको जेल भेजो आप। तो ये कार्यक्रमों की जो रूपरेखा आप लोग भेजते हैं तो अधिकारी ये आपकी पार्टी को देखते हुए निर्णय लेते हैं कि किस पार्टी का इसको मैं परमिशन देनी है कि नहीं देनी? बिल्कुल, कांग्रेस को तो कोई परमिशन देते ही नहीं है, कांग्रेस का अगर वो पहुंचा लेटर, अब मैंने तो एक संकल्प यात्रा निकाली तो आप मज़े की बात देखिए कि संकल्प यात्रा मैं दतिया विधानसभा में निकाल रहा हूँ, और उसकी परमिशन के लिए यहाँ के एसडीएम ने भांडेर एसडीओपी को भेजी कि वहाँ से पुलिस जब तक नहीं लिखेगी जब तक हम आपको परमिशन नहीं देंगे, तो मैंने उनसे कहा हमने भांडेर से, हमें दतिया विधानसभा की परमिशन मांग रहा हूँ आप भांडेर से, तो उन्होंने टाली उसको, कम से 20 दिन उन्होंने परमिशन नहीं दी, मैंने दूसरा लेटर दिया तो मजबूरी में उन्होंने हमको परमिशन दी। ये आलम है यहाँ पर कि यहाँ कोई लोकतंत्र का नियम कानून का कोई नियम कानून नहीं, अंधा कानून है, सच्चाई ये है, केवल एक आदमी का कानून है, शासन प्रशासन दोनों में आप उसमें मिलीभगत करके अपने हिसाब से चला रहे हैं। अपने हिसाब से वो तो प्रशासन शासन से चलता है, और शासन का इतना बड़ा नेता है, उससे यहाँ के कलेक्टर एसपी उनके चंगू हैं, उनके इशारों पर चलते हैं। आपने अशोक जी को सुना, इन्होंने एक हर एक बात रखी किस तरीके से दतिया में माहौल बना हुआ है, और इनका नाम सबसे आगे चल रहा है। अगर हम दतिया विधानसभा की बात करें कांग्रेस नेता के तौर पे, और इन्होंने भी दावेदारी, टिकट की दावेदारी कर दी है, अब देखना ये होगा कि जनता किस पे कैसे, पहले तो ये देखना होगा कि पार्टी किस पे भरोसा जताती है, इसके बाद जब अगर पार्टी भरोसा जताती है फिर जनता किस पे भरोसा जताती है। पर ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए आप द न्यूज़ तंत्र को सब्सक्राइब कर लीजिए, यदि फेसबुक पेज पर वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव, धन्यवाद।